जवान भोजनालय में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सचिन पटेल, बहुत अच्छा लगा सचिन जी मिलकर आपके साथ। प्लीज सर, थैंक यू। तो आइए सोनू जी, देखते हैं कि आज क्या तैयारी है यहाँ पर मेस में। नमस्कार सर, क्या हाल है सबके? थैंक यू सो मच सर। दाल है सर, बूंदी का रायता है, पनीर की सब्जी है, फुल्के हैं, पापड़ है। ज़िंदगी में और क्या चाहिए सर? शुक्रिया सर। थोड़ा राइस भी डाल देते हैं। ये दाल है सर, ये क्या सर? राइस भी नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सर शुरू करो, एकदम श्री गणेश करो, कहते रहिए। लेकिन ये बात कमाल की है ना कि यहाँ पर इस टेबल पर बैठे बैठे पूरा भारत मिल गया हमें। क्या बात है सर, यहाँ पे सब कुछ है जलवा सर, क्या बताएं आपको। प्लीज शुरू करते हैं सर। पर ये बताइए, आप मुझे बता रहे थे वेजिटेरियन है और दुनिया भर में घूमते हैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे पता है कहीं जगह कितनी दिक्कत होती है जी। तो कैसे चलता है खाने का काम? मैंने चाइना में एक दफ़ा शूट किया था, तो वहाँ बड़ी तकलीफ होती थी। वहाँ पे तो अगर आप वेजिटेरियन उनको बताएं तो आप उनको समझा ही नहीं सकते थे वेजिटेरियन होता क्या। अच्छा, बोले कि ऐसे वेजिटेरियन कुछ होता है, नाम की चीज़ होती। तो मैंने करीबन 6-8 महीने शूट की थी, जाकी चैन के साथ फिल्म शूट कर रहा था। उसके अंदर मेरे लिए एक ही चीज़ लेके आते, थोड़ा सा वो सलाद और थोड़ा सा राइस जो था वो बना के, सलाद और राइस, बस वही खाते थे। उनको आइडिया नहीं था जिन एरियाज में हम लोग शूट कर रहे थे। सर अभी बीएसएफ का खाना कैसा लग रहा है आपको? बहुत कमाल का है। शुक्रिया। और हमारी शूटिंग में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, क्योंकि शूटिंग में बहुत सजा धजा के कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बनाते हैं और रियल से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। और ये खाना जो है, ये अगर हमें मिलता रहेगा तो आप फिर तो लाइफ ही सेट हो जाएगी एक बार। सर आपकी आने वाली फिल्म अभी कौन सी? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है फ़तेह। मैं भी उसमें एक आर्मी का ही कुछ एक बना हूँ और उसके लिए ट्रेनिंग चालू है अभी, उसके लिए भी मेरी। सर जैसे आप पहले मूवी में विलन का रोल करते थे, तो अभी जैसे आप रियल लाइफ में भी हीरो ही हो, मूवी में भी आपको हीरो का रोल मिल रहा है। अभी सारे हीरो वाले ही हो, कहते हैं हम विलन देख ही नहीं सकते आपको, तो सारे हीरो वाले रोल्स ही आ रहे हैं। तो पहले मतलब हमें रियल में भी लगता था शायद आप विलन ही हो गए, बट अभी आप हीरो हो। ठीक है, चलो पास कर दिया भैया इन्होंने अभी यार। अच्छा है। आप सर खाना खाते रहिए, मैं जरा देख के आता हूँ कि किचन में क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, और थोड़ा मैं भी थोड़ा सीख कर आता हूँ। मजदूरी ने सिखा जरूर। अरे क्या बात है सर। चलिए सर चलते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग डोसा बना के लेके आए हैं सर। यासिन भाई, आप अपने हाथ से बनाए सर? अपने हाथ से बनाया सर, बिल्कुल, और बिल्कुल लाइव कैमरा पे बनाया है डोसा। तो ये बिल्कुल सोनू सूद का स्पेशल डोसा है। आप लोग सब लोग शेयर कीजिए।